बुधवार रात जयपुर में एक शानदार नजारा देखने को मिला। देखिए कैसे सीएम भजन लाल अपने काफिले के साथ रेड लाइट पर रुके। इस नजारे को जिसने भी देखा वो सीएम की तारीफ करते नहीं थक रहा। दरअसल सीएम भजन लाल शर्मा ने वीवीआईपी विजिट के दौरान जयपुर में लगने वाले जाम से शहरवासियों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने तय किया है कि उनके आने जाने के दौरान अब शहर में ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा, वो आम आदमी की तरह ही आएंगे और जाएंगे। सीएम ने पुलिस महानिदेशक QR साहू को इसे लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह भी तय किया है कि रास्ते में यदि रेड लाइट है तो उनका काफिला रुकेगा। इसी के तहत बुधवार रात सीएम भजन लाल जब बाड़मेर से लौटे तो जेएनएल रोड स्थित OTS चौराहे पर रेड लाइट पर सीएम का काफिला रुका। आम लोगों की तरह रुके प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखकर लोग हैरान रह गए। वहीं इस दौरान सीएम की सुरक्षा में पूरा काफिला और जाप्ता भी रेड लाइट पर रुका रहा। रुके हुए काफिले को देख कुछ लोग सीएम भजन लाल की फोटो लेते रहे और वीडियो बनाते भी नजर आए। लोग यही कहते नजर आए कि ऐसा तो पहले कभी नहीं देखने को मिला जब मुख्यमंत्री आम लोगों की तरह रेड लाइट पर रुके हों। सीएम के इस फैसले की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में कई बार ट्रैफिक जाम होने से गंभीर मरीजों को परेशानी हो रही थी। हालांकि कुछ मौकों पर सीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया था, लेकिन जयपुर में पिछले कई दिनों से वीवीआईपी विजिट बढ़ गई थी जिसके चलते जेएनएल रोड और टॉक रोड सहित अन्य रास्तों पर जाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीएम खुद भी अभी जेएनएल रोड स्थित OTS में रह रहे हैं। उनका जितनी बार भी आना जाना होता है उतनी ही बार जेएनएल रोड पर ट्रैफिक रोका जाता है। बार बार लगने वाले जाम के चलते सीएम भजन लाल ने ये फैसला लिया है। आपका सीएम भजन लाल के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।